हेलो दोस्तों, इन जनरल अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एक एग्जीक्यूशन पे, यानी कि आप सिंगल बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो आपको 20 रुपए देने पड़ते हैं ब्रोकरेज चार्जेस। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा केस दिखाने वाला हूं जहां पर 17 एग्जीक्यूशंस पे टोटल चार्जेस इंक्लूडिंग जीएसटी उसके साथ जो है 3443 रुपए लगे हैं। यानी कि इन जनरल अगर हम ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में तो 20 रुपए लगते हैं, वही यहां पर कुछ ऐसा हुआ है कि 202 रुपया का जो है एक ट्रेड एग्जीक्यूशन पे लगा है। यानी कि एक ट्रेड को बाय एंड सेल करने में हमको 40 रुपए लगते हैं, लेकिन इनको 400 रुपए लगे हैं। तो ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लिंगम हरीश और आपका स्वागत है द ट्रू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जब मैंने ये जानने की कोशिश किया कि इन्होंने ओनली 17 ट्रेड्स ही किए हैं तो इतना ज्यादा चार्जेस क्यों लगे, कैसे लगे, उनसे मैंने पूछने की कोशिश किया तो उन्होंने बताया कि एक लड़की के लिंक के थ्रू जो है इन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया है। सो इसके बाद जो है फिर भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इतना ज्यादा चार्जेस किस बात का लगा है। तब जब मैंने एंजल वन को कांटेक्ट किया है तो एंजल वन वालों ने ये कहा है कि इन्होंने जो है अपना अकाउंट सब ब्रोकर के लिंक के थ्रू जो है अपना अकाउंट ओपन किया है, जिसका चार्जेस जो है बहुत ज्यादा 50 रुपया एक ट्रेड पे देना पड़ता है, सॉरी पर एग्जीक्यूशन 50 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं तो पर एग्जीक्यूशन 200 रुपया से भी ज्यादा। सो यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पर एग्जीक्यूशन कितना है। यहाँ पर 17 ऑर्डर्स लगे हैं, 3443 रुपया इसका टोटल चार्जेस लगे हैं इंक्लूडिंग जीएसटी सारे चार्जेस के साथ जो है इतना चार्जेस लगे हैं। लेकिन इतना ज्यादा तो हो ही नहीं सकता किसी भी ट्रेडर के लिए। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 3443 को डिवाइड करते हैं 17 ट्रेड के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर एग्जीक्यूशन 202 रुपया लगे हैं। यानी कि अगर हम इसको एक ट्रेड में कंसीडर करते हैं तो 202 रुपया को मल्टीप्लाई करो 2 से, यानी कि 404 रुपए एक ट्रेड को एग्जीक्यूशन में करने में लगा है। यानी कि बाय एंड सेल में टोटल हमको जो है जनरली 40 रुपया लगते हैं, वहीं पर इनको 400 रुपया लगे हैं। तो एंजल वन ने क्या कहा है एंजल वन के कस्टमर केयर से, जरा इस ऑडियो को सुन लीजिएगा। 3443 चार्जेस लगे हैं, तो ये कितने इतने ज्यादा चार्जेस किस काम के लिए लगे? जैसे मैं देख पा रहा था उनका जो ब्रोकरेज स्टैंड था, उनका ओल्ड ब्रोकरेज स्टैंड था, करंटली उनका जो अकाउंट है ना, अकाउंट में ओल्ड ब्रोकरेज स्टैंड होने की वजह से उनका परसेंटेज वाइज ब्रोकरेज स्टैंड था। मीन्स उनको 50 रुपीज पर लॉट का उनको चार्ज लग रहा था। उन्होंने जब अकाउंट ओपन किया है तो उन्होंने किसी सब ब्रोकर के अंडर अकाउंट ओपन किया था, लिंक के थ्रू उनको लिंक भेजा गया, उनका लिंक से उन्होंने अकाउंट ओपन कराया। तो जब इस तरीके से आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपका अकाउंट सब ब्रोकर के अंडर रहता है, जिन्होंने एंजल उनकी एजेंटशिप दी रही थी। ओके, तो उनकी तरफ से उनको ब्रोकरेज प्लान परसेंटेज वाइज में लगा था। ओके, तो वन टीम का जितना फंड लग रहा है उस हिसाब से वो लगता है। यस सर, अगर आप भी चाहते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर इस तरह का चार्जेस नहीं लगेंगे, 200-300 रुपया चार्जेस नहीं लगेंगे, पर एग्जीक्यूशन आपको 20 रुपया ही चार्जेस लगेंगे। हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर लीजिए और आप उसके बाद हमें मैसेज कर दीजिए, आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आता है तो हमसे बात कीजिए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।